चीन के लिए भारत की भयंकर तैयारी, आ गए खतरनाक हथियार। अचानक इतने हथियारों की लिस्ट देख उड़ जाएंगे ड्रैगन के होश। दोस्तों, भारत के दो छोरों पर ऐसे दुश्मन बैठे हैं जो भारत को खत्म करने का काम कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान जो हमेशा ऐसी तैयारी में रहते हैं कि वह भारत को जिंदा जला देंगे, लेकिन क्या इन दोनों देशों के बस की बात है कि क्या ये भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान की तो बस की बात नहीं कि वो भारत के आगे अपने किसी हथियार का उपयोग कर सके, लेकिन चीन को भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। चीन भारत को कड़ी टक्कर देने में सक्षम है, तो अब चीन की हेकड़ी निकालने के लिए भारत कुछ ऐसे हथियारों को बनाना शुरू कर दिया है जिनके बारे में जानकारी मिलते ही अमेरिका तक भी हैरान है, क्योंकि इनमें वह हथियार भी शामिल है जिसका निर्माण अमेरिका पहले ही कर चुका है। इसलिए अमेरिका भी इन हथियारों से अच्छी तरीके से वाकिफ है। लेकिन अमेरिका ने दावा किया है कि भारत जिस हथियार को बना रहा है, इस हथियार के आते ही भारत दुनिया में क्रांति ला देगा। अब यह जो हथियार भारत बना रहा है, यह इतना खतरनाक है और इतना ताकतवर है कि अमेरिका जो दावा कर रहा है, यह तो बिल्कुल लाजमी है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं आने वाले खतरनाक हथियारों के बारे में। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही खतरनाक तरीके के ड्रोन का निर्माण कर लिया है। कुछ सालों तक ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भारत के वैज्ञानिकों का यह कहकर मजाक उड़ाते थे कि अभी भारत के पास इतनी तकनीक नहीं है कि वह खतरनाक ड्रोन का निर्माण कर पाए। तो दोस्तों, अब आप यकीन मानिए, यह भारत का स्टेल्थ ड्रोन यानी कि रडारों को धोखा देने वाला यह ड्रोन अमेरिका के ड्रोन से कम नहीं है। यह ड्रोन दुश्मन के घरों की रेखी के साथ साथ सैनिकों को हवाई हमले में सहयोग देकर दुश्मन को ठिकाने लगाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इसका नाम है कॉम्बेट एयर टाइमिंग सिस्टम। यह ड्रोन भारतीय फाइटर जेट सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों में भी फिट किया जा सकता है और दुश्मन के बिल्कुल नजदीक जाकर इसको दुश्मन पर वॉर करने के लिए छोड़ा जा सकता है। यह ड्रोन दुश्मन के घर में घुसकर जासूसी कर सकते हैं। वहीं जो बहुत ही खतरनाक जगह होती है, वहां पर भारतीय सेना को ना भेजकर इन ड्रोन को आत्मघाती हमला करने के लिए भेजा जा सकता है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केट्स ड्रोन की। इसकी डिजाइन पूरी तरह से मिसाइल के तरीके से तैयार की गई है, जिसके चलते इसे जब चाहे तो फाइटर जेट में फिट किया जा सकता है। इसका वजन 600 किलोग्राम का है और यह अपने साथ 250 किलोग्राम के विस्फोटक को ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 200 से 300 किलोमीटर के बीच है। वहीं इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, दुश्मन पर बम गिराकर वापस भी लौट आता है। इतना ही नहीं, इस ड्रोन में स्टेल्थ तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसके चलते दुश्मन रडार इसको आसानी से ट्रैक नहीं कर पाते। जब तक दुश्मनों को पता चलता, तब तक यह ड्रोन दुश्मन पर बम गिरा चुका होता है। अब जिस मिसाइल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके बारे में एक वॉर से चीन का एक हिस्सा गायब किया जा सकता है। दरअसल भारत अग्नि 5 के निर्माण के बाद ही अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों की महारत हासिल कर चुका है। अब भारत MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रिंट्री व्हीकल मिसाइल वाला देश बन चुका है, जो एक बार में अपने साथ कई मौत के सामान को ले जाती है। एक ही समय में कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला करता है, कुछ ही सेकंड के अंदर सब कुछ जलाकर राख कर देता है और दुश्मन को जरा सा भी वक्त नहीं होता कि दुश्मन संभल सके। चीन दावा करता है कि भारत अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों की तकनीक युक्त देश बन चुका है, लेकिन भारत सरकार चीन के दावे को सिरे से नकार देता है। अब भारत में जिस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है, उसका नाम है सूर्या मिसाइल। इसकी आखिरी खबर 2010 में आई थी। इसके बाद इस हथियार को बहुत ही सीक्रेट रखा गया था। दरअसल ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से एक के बाद एक कई देशों ने परमाणु हथियारों को बनाने की कवायद शुरू की थी, उसी प्रकार अब यह सीक्रेट हथियार जैसे सूर्या, काली, दुर्गा जैसी मिसाइलों के निर्माण पर रोक लग सकती है। भारत के घोषित दुश्मनों चीन और पाकिस्तान के लिए तो 8,000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 ही काफी है। इसके साथ ही चीन के कई शहरों को यह
तबाह कर सकती है। लिहाजा अग्नि 6 और सूर्य को सरकार ने सीक्रेट रखा है। उधर पहले ही लद्दाख और डोकलाम विवाद के बाद सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती और इसकी संख्या के खुलासे से चीन ने खलबली मच गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सूर्या मिसाइल का जो प्रोजेक्ट 1995 में शुरू किया गया था, साल 2010 के बाद उसकी कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई। उधर 2008 में ही डीआरडीओ ने घोषणा की थी IGMDP के तहत तैयार की जा रही सभी मिसाइलों पर काम शुरू हो चुका है। इस लिहाज से कई एक्सपर्टों का कहना है कि भारत ने 2008 से 2010 तक के बीच ही सूर्य मिसाइल का निर्माण किया है। इसके बाद जिस भारतीय हथियार का निर्माण काफी तेजी से किया जा रहा है उसका नाम है डिमोन्स्ट्रेटिव ग्लाइड व्हीकल। इसके आते ही भारतीय मिसाइलों की स्पीड कई गुना तक बढ़ जाएगी। दरअसल भारत जिस फ्लाइट व्हीकल का निर्माण कर रहा है इसकी स्पीड 6200 से 12226 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होने वाली है। यह तो फिलहाल अभी केवल एक आंकड़ा है जिसके बीच इसकी स्पीड हो सकती है। दरअसल जो मिसाइल 6200 से 12226 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के बीच उड़ने में सक्षम होती है तो उन मिसाइलों को हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। आपको बता दें कि डीआरडीओ 2020 में ही मानव रहित स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण कर चुका था और इसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के नाम से जाना जाता है। इसका परीक्षण जो किया गया था यह केवल 20 सेकंड के लिए किया गया था लेकिन इसकी स्पीड 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। लेकिन भविष्य में और इसे बढ़ाया जाएगा। इसका उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। इसे किसी मिसाइल में फिट करके उसे हाइपरसोनिक मिसाइल में बदला जा सकता है और साथ ही इसे फाइटर जेट में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं इस व्हीकल का इस्तेमाल से भारत और रूस मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 का निर्माण कर रहे हैं। इतना ही नहीं यह भी हो सकता है कि जब भारत के पास हाइपरसोनिक की गति वाला डिमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल बनकर तैयार हो जाएगा तो अग्नि 5 मिसाइल को भी हाइपरसोनिक मिसाइल में बदला जा सकेगा। इसके बाद डीआरडीओ नेवी के लिए नेवल सी बोर्न अनमैंड एयर व्हीकल बनाने का ऐलान किया है। भारतीय नेवी ने भी अपने युद्ध पोतों के लिए काफी समय से अनमैंड एयर व्हीकल बनाने की बात कर रहे थे। पिछले साल भारत सरकार ने इसको मंजूरी दे दी थी। आने वाले कुछ ही सालों में भारत के युद्ध पोतों पर स्वदेशी 10 UAV की तैनाती की जाएगी। इसके लिए 1300 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया गया है। इस वक्त इन ड्रोनों की आपूर्ति के लिए अमेरिका के 2 MQ-9 प्रीडेटर बी ड्रोन लीज पर ले रखे हैं। इसके अलावा भारत का डीआरडीओ कुछ सालों में अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने वाला है। यह प्रोजेक्ट फाइटर जेट के निर्माण से जुड़ा हुआ है और यह भारत का सबसे ताकतवर और खतरनाक फाइटर जेट होने वाला है। इस फाइटर जेट में ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जिसके चलते इस फाइटर जेट में बैठे पायलटों को तो पता चल जाएगा लेकिन दुश्मन को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होगी। इससे भी बड़ी बात तो मारक क्षमता है। यह 500 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को पहचान कर लेता है। इतना ही नहीं यह भी बताएगा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन देश ने दागे हैं उसकी स्पीड क्या है, वो किस दिशा से आ रही है और किस दिशा में जाने वाली है। यह सभी जानकारियां इस फाइटर जेट में लगे सेंसर पायलट को कैलकुलेट करके पहुंचा देते हैं। यह सभी जानकारियां IOTS के द्वारा दी जाती है। दोस्तों इस IOTS का मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है जो कि किसी भी हमले को 500 किलोमीटर से पहले जानकारी दे देता है। यह बहुत बड़ा रेंज है। आपको बता दें कि राफेल जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जा रहा है इसमें लगे IOTS केवल 250 किलोमीटर तक ही जानकारी दे पाते हैं। जो फाइटर जेट जितनी दूरी से हमलों का पता लगा सकता है वो किसी भी हमले को हवा में ही नष्ट कर सकता है क्योंकि लड़ाकू विमान में बैठे पायलट के पास पर्याप्त वक्त होता है और वो हमले पर सटीक निशाना लगा पाता। तो दोस्तों ये तो थी भारत की कुछ आने वाले खतरनाक हथियारों की खबर। लेकिन इनमें से आप किस हथियार को सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।